नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन हूं और मैं द वायर का एक फाउंडिंग एडिटर हूं। संडे को द वायर ने अमित शाह के बेटे के कारोबार के बारे में एक स्टोरी छापा। स्टोरी में क्या था, अमित शाह के बेटे जय अमित शाह के दो कंपनीज के बारे में हमने डिटेल्स दिए। डिटेल्स, तमाम डिटेल्स अमित शाह के लड़के ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में डॉक्यूमेंटेशन फाइल किया, सारे डिटेल्स वहां से निकाल के हमने उनके इन दो कंपनीज में जो तेजी से बढ़ोतरी, तेजी से जो ग्रोथ हुआ मोदी सरकार के आने के बाद, उसका हमने एक विवरण दिया, उसका एक चित्र हमने पेश किया। आम जनता ने इस आर्टिकल को वेलकम किया, उनको लगा कि ये एक न्यू किस्म की एक ट्रांसपेरेंसी द वायर ने कायम किया। बीजेपी से जो रिएक्शन आया वो ये, उन्होंने फौरी तौर पे द वायर पे और जो रोहिणी सिंह है जिसने आर्टिकल लिखा, डेफेमेशन का एलिगेशन लगाया कि आप अमित शाह के बेटे को की मानहानि आप कर रहे हैं, और फौरन उन्होंने धमकी दी कि हम आप पे क्रिमिनल डेफेमेशन केस लगाएंगे, आप पे सिविल डेफेमेशन केस लगाएंगे। और पीयूष गोयल जो मोदी सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने 100 करोड़ फिगर का ऐलान किया। अब मालूम ये पड़ता है कि अहमदाबाद के मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में अमित शाह के लड़के ने द वायर के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन केस दर्ज किया है। सिविल डेफेमेशन केस भी शायद वो कुछ ही दिनों में दर्ज करने वाले हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कि हम इन तमाम केसेस के खिलाफ लड़ेंगे। हमने द वायर इसलिए नहीं शुरू किया कि धमकी आने पे, केस आने पे हम पब्लिक इंटरेस्ट से पीछे हट के चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाएं। मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे शायद दर्ज होंगे, हम लड़ेंगे, हमारे पास आपका समर्थन है। जैसे आपको अच्छी तरह मालूम है, अगर कोई नॉन प्रॉफिट मीडिया इंस्टीट्यूशन है जैसे हम हैं, यहाँ पे किसी निवेशक का पैसा नहीं है, यहाँ की कोई किसी बड़े कंपनी का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी सरकारी रिप्रेजेंटेटिव का पैसा नहीं लगा हुआ है, ये तो एक वेबसाइट है जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, रीडर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन पे चलता है। तो केस भी हम लड़ेंगे और केस लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग आपका बहुत काम में आएगा। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिया है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, और मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से सपोर्ट करते जाएंगे। आप डोनेशन द वायर को ऑनलाइन दे सकते हैं बहुत आसानी से, इस URL में जाके bit.ly/donatethewire, वहां जाइए और इस लड़ाई, इस संघर्ष में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।